Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to start your second poem, that is No Men Are Foreign, and this poem is written by James Kirkup. In this poem the poet want to say us that no men are foreign and no country are strange. All are equal, they have same kind of body, same eyes. So let's start योर पोइम नो मैन आर फॉरन. इसमें पोइट क्या कह रहा है कि सभी एक समान है, कोई भी फॉरनर नहीं है. सारे लोग जो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं सभी एक समान हैं देखने में. सो हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल्स एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन. कहता है क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लोग हैं जो अजीब हैं, स्ट्रेंज और कंट्री फॉरेन है, मतलब कि विदेशी हैं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज देम. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. कहता है कि इस पोइम में ये बताया गया है कि हर एक कोई भी कंट्री, कहता है कि आपने कभी सोचा है कि कोई कंट्री अजीब है, डिफरेंट है, हमारे देश से अलग है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं. और इसी पोइम में, इस पोइम के द्वारा पोइट ने हमें ये याद दिलवाया है कि बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से हम एक जैसे दिखाई देते हैं, हम एक ही मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी सेम आइज हैं. बच्चे लैंग्वेज अलग हो सकती है बट जैसे हमारा स्ट्रक्चर है वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं. बाहर वाले कंट्री वाले लोग भी, उनकी आंखें भी हैं, हमारी भी आंखें हैं, वो भी धरती पे चलते हैं, हम भी धरती पे ही रहते हैं ना. सो ये था उनका बेसिक कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी लोग स्ट्रेंज नहीं है. सो स्टार्ट करो फर्स्ट स्टेंजा. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्री फॉरेन. कहते हैं याद रखो कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, सारे एक जैसे हैं. बनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बनीथ ऑल यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे हम हैं, हमारे कपड़े हैं, जैसे ड्रेसेस पहनी हुई हैं, उनके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीद, सभी एक ही तरह सामान्य रूप से सांस लेते हैं. ब्रीद बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीद लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाइक. क्या बताया गया कि सभी एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म के नीचे वो भी लोग हैं जिनकी बॉडी भी हमारे जैसी है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी उसी धरती पे चलते हैं जैसे कि हमारे, वो भी हमारे भाई बहन हैं. इज अर्थ लाइक दिस, उनकी भी धरती हमारी जैसी है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जहाँ पे हम लाई क्या होता है, लेटते हैं, जिस पे हम लेटते हैं वो भी उनके ही जैसी है. ठीक है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उनको भी जानकारी है किसके बारे में, सन, सन उनके देश में भी है, एयर भी है, वाटर भी है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी पीसफुली हार्वेस्ट करते, फसल उगाते हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, अगर कहता है वार होती है, युद्ध होता है तो भी भूखे मरते हैं. स्टार्व क्या होता है बेटा, भूखे मरना. देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हैंड भी हमारे हैंड जैसे ही हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्राम आर ओन. कहता है हैंड भी एक जैसे हैं, उनके हाथों पे जो रेखाएं हैं वो भी हमारे ही जैसे हैं, और वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि हम करते हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्राम आर ओन, और जो एक मजदूर है वो भी हमारे जैसा ही है, हमसे जो वो अलग नहीं है. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won. कहते हैं याद रखो उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं जो कि वेक उठती हैं, सोती हैं, और स्ट्रेंथ है दैट कैन बी वन, जो कि जीत पाती है वन. रिमेंबर, बार बार उसने ये वर्ड बोले, रिमेंबर याद रखो. दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, कहता है उनकी आंखें भी हमारी आंखें जैसी हैं जो उठती हैं, सोती हैं, और स्ट्रेंथ क्या, ताकत है उनकी जो कि जीत पाती है. वन क्या होता है, जीतना. बाय लव, प्यार से. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, कहता हर धरती पे वही हमारे जैसी ही कॉमन लाइफ है. दैट ऑल कैन रेकोगनाइज, रेकोगनाइज होता है पहचानना और अंडरस्टैंड. कहता है कि सभी एक जैसे हैं, सभी की लाइफ भी एक जैसी, हमें ये रेकोगनाइज करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए.
सो लेस नेक्स्ट देखो, लेट अस रिमेंबर, कहता है याद रखो, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्फ, कहता है जब हमें बोला जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, मतलब कि दूसरी कंट्री वालों से नफरत करो, तो याद रखो कि वो भी आपके ही जैसे हैं, आप ही अपने आप को, अगर किसी को नफरत करते हो तो ये समझो कि आप अपने आप को ही नफरत कर रहे हो. दैट वे शैल डिस्पोजिज बिट्रे कंडेम्ड, कहता है कि हमें भी डिस्पोजिज का बिट्रे एंड कंडेम्ड का सामना करना पड़ रहा है. रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, कहता है अगर हम दूसरों को नफरत करते हैं तो हमें भी वो सारा कुछ सहन करना पड़ेगा. यहाँ जो बेटा वर्ड आए हैं, डिस्पोजिस का मतलब होता है गवाना, और बिट्रे होता है धोखा देना, और कंडेम्ड होता है आलोचना करनी. कहता है अगर हम किसी को धोखा देते हैं, कंडेम्ड करते हैं, आलोचना करते हैं, ये समझो कि आप अपने आप से कर रहे हो, क्योंकि सभी आपके भाई बहन हैं. अगर किसी को धोखा देते हो तो समझो अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी के बारे में गलत बातें बोल रहे हो तो समझो अपने आप से कर रहे हो. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कहता है याद रखो कि सारे एक जैसे हैं, आपके ही भाई बहन हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कहता है ये हमारी धरती है जिसको हम अपवित्र करें. डिफाइल क्या होता है? अपवित्र करना. अवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउट रेंस द इनोसेंस, कहता है हमारी जो गुस्से वाली आग है, नरक की जो आग है, मतलब गुस्सा, डस्ट आउट रेंज, जो कि हम बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में आ जाते हैं, तो ये समझो कि हम इस इनोसेंस को ही ख़त्म कर रहे हैं, जो कि निर्दोष लोग हैं हमारे अंदर, जो एक अच्छी बात होती है उसको ख़त्म कर रहे हैं. ऑफ एयर दैट इज़ एवरी वेयर आर ओन, ये याद रखो जो भी एयर है, जो भी हर जगह हवा चल रही है, वो हमारी ही है, अपनी ही है, चाहे वो किसी भी देश में हो, एयर सेम ही रहती है. सो रिमेंबर नो मैन आर फॉरन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और याद रखो कोई भी कंट्री फॉरनर नहीं है, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, सारे हमारे भाई बहन ही हैं. उनकी भी बॉडी हमारी जैसी है, उनकी आँखें हमारे जैसी हैं, हैंड्स भी हमारे जैसे हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जैसे हम करते हैं. उन्हें भी युद्ध के टाइम बहुत कुछ सहना पड़ता है, और उन्हें भी भूखे रहना पड़ता है. सो हमें किसी को अजनबी नहीं समझना चाहिए, सारे हमारे भाई बहन हैं. सो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा, इसको आपने दोबारा रीड करना है, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसके PDF सेंड करूँगी, क्वेश्चन आंसर. सो वो आपने सही ढंग से इनको राइट करना है फिर नोटबुक के. ओके बेटा, बाय, टेक केयर.